अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस कैसे हो सभी? उम्मीद है यार आप सभी ठीक ठाक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो गाइस सीन कुछ हुआ है कि यार मैं जा रहा हूँ ना अपने एक कज़न है सो उसके डेयरी फार्म, वहाँ कुछ काम काज करने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं दिखाऊंगा आपको डेयरी फार्म का क्या सिस्टम है क्या नहीं, सब कुछ वहीं जाके दिखाऊंगा। और दूसरी बात ये कि ना वहाँ पे हमने सब्ज़ी को पानी लगाना है, जो कि सब्ज़ी हमने उगाई हुई है डेयरी फार्म में। वहाँ जाएंगे कई सब्ज़ी को पानी लगाएंगे और सब कुछ आपको सीन आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे। सो इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्या कर रहे हो, और घंटी के निशान को भी दबा दो ताकि हर एक न्यू अपडेट आप तक मिलती रहे। सो गाइज हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो गाइज फाइनली तौर पर यार मैं पहुँच चुका हूँ डेयरी फार्म, और जो कि पीछे मैं आपको सब्ज़ी दिखा रहा हूँ, ये जो सब्ज़ी मैंने पानी लगाना था, लेकिन जब यहाँ पे आया तो नल ख़राब हो गया है सो पानी हम नहीं लगा सके। अभी नल को हमने ठीक किया है लेकिन अभी बिजली नहीं है, जब भी लाइट आएगी सो उसे पानी भी देंगे। और इसके अलावा गाइस मैं आपको दिखाता हूँ डेयरी फार्म का क्या सिस्टम है। वो मेरे सामने मेरे रिलेटिव्स भी खड़े हैं, वो जो के माल के लिए भूसा वगैरह तैयार कर रहे हैं सो वहाँ भी चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पीछे सब्ज़ी दिखाता हूँ कि कौन कौन सी सब्ज़ी है, क्या है क्या नहीं। ये जो गाइस आप देख सकते हो मेरे सामने, ये है गाइस प्याज, प्याज उगाया हुआ है यहाँ पे। और क्या है, और ये मिर्चें भी हैं गाइस यहाँ। इसके अलावा ये देख सकते हो ये है पालक, और इसके अलावा ये है गाइस धनिया। सामने मैं आपको दिखाऊंगा गाइस, इसे हम पानी देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देख सकते हो कि यहीं नल के ज़रिए पानी आएगा। अभी गाइस लाइट नहीं है, जब भी लाइट आएगी सो उसके बाद हम इसे पानी भी देंगे। ये देख सकते हो सामने, तो ये सामने देख सकते हो गाइस ये भैंस पानी पी रही है सो यहाँ पानी दे पिलाएंगे इसे। चल भाई पिला इसे, ये देख सकते हो भैंस को हम पानी दे रहे हैं। हाँ तो गई यार फैनली तौर पर लाइट आ चुकी है, अब नल भी चल चुका है सो अब हम सब्ज़ी को पानी देंगे। आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या सीन है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहो। अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, घंटी के निशान को भी दबा दो ताकि हर एक न्यू अपडेट आप तक मिलती रहे। सो गाइस अब हम मैं आपको दिखाता हूँ फैनली तौर पर, यार देख सकते हो मेरे सामने नल चल चुका है, पानी भी जा रहा है। ये मेरा कज़न आसिफ पानी पी रहा है सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जा रहा है पानी। ये सामने मिर्च की फसल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे छोड़ेंगे, ये देख सकते हो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सामने देख सकते हो ये भी हमारे कज़न है डॉक्टर सईद। डॉक्टर सईद क्या हाल है, ठीक हो डॉक्टर सईद? कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट फाट। ये देख सकते हो यार पानी जा रहा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना ये मिर्चें को पानी देंगे, उसके बाद प्याज को, ये सामने पालक है पालक को भी पानी देंगे, और ये धनिया है धनिया को भी पानी देंगे। ये सामने देख सकते हो क्या सीन है यार, पानी आ चुका है फैनली तौर पर। अब देखते हैं कि गाइस कितना टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद गाइस हम चलेंगे, आपको मैं माल चाल भी दिखाऊंगा। फार्म है जो कि हमारे कज़न का, ये सामने आप देख सकते हो। तो गई यार मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है हमारे रिलेटिव का डेयरी फार्म, छोटा सा एक डेयरी फार्म है। आप पीछे मेरे देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी काउज, ऑलमोस्ट 11 या 12 होंगी। ये सामने देख सकते हो, मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, आला किस्म की यार नस्ल है ये। ये सामने मेरे पीछे देख सकते हो,
अभी यार चारा दिया इनको, ये चारा खा रही हैं। ये सामने मेरे पीछे आप देख सकते हो, और मैं आपको दिखाता हूँ, भैंस भी दिखाता हूँ। ये गाइस मेरे पीछे ये भैंस भी देख सकते हो आप, ये है मेरे, ये देख सकते हो, ये है भैंस, तो आप मेरे सामने देख सकते हो। ये है सीन गाइस, एक छोटा सा डेयरी फार्म है, सो आप देख सकते हो, मुआयना कर सकते हो क्या क्या है क्या नहीं है इसमें। फैलने तौर पर हमने ना सब्ज़ी को जो कि पानी देना था पानी भी दे दिया, और गाइज़ मैंने आपको छोटे से डेयरी फार्म का विज़िट भी करवाया। उम्मीद है यार आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्या कर रहे हो यार। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना। सो गाइज़ एक मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप सबका अल्लाह ने के बाम, सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।